हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम दिखाने वाले स्कूटर जो कि अपना चेतक है बजाज का, इसमें स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, चल के ये बंद हो जाती है। दिखाते हैं आपको, ये चेतक है अपना 90s मॉडल, इसमें स्टार्टिंग प्रॉब्लम है और स्टार्ट होती है, चलती है, थोड़ी दूर जाकर बंद हो जाती है। और इसके क्योंकि कार्बोरेटर में इसके कचड़ा है और प्लग में, हम इसका कार्बोरेटर और प्लग आपको क्लीन करके दिखाएंगे, बने रहिए वीडियो में। तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, ये लॉक लगा है इस टापे का, इस टापे का लॉक, इसको हम पहले खींच के, ये देखिए यहाँ पर लगा, इसको बाहर खींचेंगे और यहाँ से घुमा देंगे ताकि ये लॉक हट जाए। ये लॉक लगा हुआ है तो आपको दिखाते हैं, ये देखो गाइस लॉक खुल चुका है, निकल गया। अब इसको निकालेंगे यहाँ से, देखो ये देखिए निकल गया। ये आ गया अपना इंजन, ये रहा कार्बोरेटर और ये रहा अपना प्लग। प्लग को क्लीन करेंगे, कार्बोरेटर को क्लीन करेंगे, आपको दिखाएंगे सारी जानकारी, एक एक डिटेल। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। तो दिखा देते हैं, ये देखो गाइस पहले इसको और फिर इसको, ये दोनों पेंच खोलेंगे, अपना टापा ओपन हो जाएगा, आपको करके दिखाते हैं फटाफट। ये देखो गाइस ये ओपन हो गया, ये दूसरा भी राम, ये देखो दोनों पेंच खुल गए, एक ये, इसको अब ऊपर करके ओपन कर लेंगे, आपको करके दिखाते हैं। ये देखो गाइस ये ओपन हो गया, इसको निकाल लेते हैं। ये आ गया अपना, ये है एयर फिल्टर, ये देखिए, ये देखिए, ये अपना कार्बोरेटर, कचरे करके माड़े माड़े काम दी भी। हाँ देखो इन आप पेज खोल के, हाँ देखो जी इसको खोल के, ये देखिए खुल गया, अब फिल्टर आ गया बाहर, ये फिल्टर आ गया, ये देखिए ये अपना कार्बोरेटर, ये जेट है, और देखो जी ये जेट है दोनों, इनको हम क्लीन करेंगे। यहाँ पे चलती है स्लाइड, ये देखिए ये वाली, यहाँ स्लाइड चलती है, ये रेस की तार, ये देखिए। अब फटाफट इस जेट को खोल के आपको क्लीन करके दिखाते हैं, बने रहिए वीडियो के साथ। सही ना, बहुत सही है, गलत ना बहुत गलत भी हो जाएगी, मेरे पास करण वाला बन, लेकिन बोलूंगा तो अभी आपे देख लवांगे। हेलो गाइस दोनों जेट खुल गया है, इनको अंदर पेट्रोल और हवा मार के क्लीन करेंगे अच्छे से, क्लीन करके लगाने वाले हम, दिखाते हैं आपको। इसको पहले पेट्रोल से वॉश कर लेंगे अच्छे से, अंदर भी पेट्रोल मारेंगे। ये जो सारे सुराख हैं, ये वाले छोटे बारीक और ये सेंटर में, सारे क्लीन होने चाहिए अच्छे से। पेट्रोल मारने के बाद इसमें हवा मार लेंगे, ये देखो गाइस अंदर ये जो सुराख है, आपको अपने आप से देखना पड़ेगा, वीडियो में दिख नहीं रहा क्लीन, ये अंदर से आर पार दिखना चाहिए, इधर से भी और ये वाला, ठीक है गाइस। अपने ग्रुप के बंदे को कह दूंगा, जे तेरा इसको भी दूसरे वाले जेट को जो छोटा है, इसको पेट्रोल मार के बढ़िया से क्लियर करके, इसको भी हवा, और देखो एक वीडियो थोड़ी, ये देखो गाइस ये और ये क्लीन होना चाहिए। देखो जी इसको ऐसे क्लीन कर लेना अच्छे से, जहां जेट लगते हैं वहां भी अच्छे से हवा मार लेना है। सर क्या होगा? सर इसके इसको अच्छे से क्लीन करने के बाद जो क्लीन हुआ है जेट उसको लगा देंगे, ओके। उसके बाद प्लग आपका क्लीन। ये है सर हमारे स्कूटर के ग्राहक, इन्हीं का है चेतक, हाय कर दीजिए। इसको हम क्लीन करके आप लगाते हैं, जेट आपको दिखाते हैं, जो कि ये रहा क्लीन किया था हमने, इसको लगाते हैं, तो साफ करके अब लगा रहे हैं हम, जैसे खोला था उसी तरह टाइट कर देना है। सारा मॉडल आना है? हाँ जी।
ते अपने वाला देखा होगा। इसको क्लीन करने के बाद जेट लगाने के बाद अपना यहाँ जो ऊपर लगता है ये वाला फिल्टर अब इसको साफ करेंगे क्लीन। ये इसमें कचरा ज्यादा है देख सकते हैं आप, अगर गंदगी कम हो तो इसको पेट्रोल या हवा से साफ कर लेंगे, लेकिन इसमें गंदगी ज़्यादा है इसलिए हम पहले इसको पानी के प्रेशर से क्लीन करेंगे फिर पेट्रोल और हवा से क्लीन करेंगे। तो आइए आपको करके दिखाते हैं। इसको पानी मारने के बाद अब थोड़ा पेट्रोल मार लेंगे चारों तरफ ताकि जो इसकी अंदर पानी भरा है वो निकल जाए। कचड़ा तो पानी की वजह से निकल गया लेकिन पानी तो भर गया है जो कि इसको नुकसान करेगा। पेट्रोल मारने के बाद इसमें मारेंगे हवा। इसको अब क्लीन करने के बाद लगा देंगे, ये देखो जो सेकंड वाला होल है उसमें ये जाएगा जो कि अपना रेस का आरपीएम की सेटिंग होती है वो सेकंड वाले में रहेगा, फर्स्ट वाले में बोल्ट लगेगा जो कि यहाँ पर था ऐसे। इसको फटाफट पेचकस की हेल्प से टाइट कर लेते हैं। देखो जी हाँ हो गया अपना ये फिट हो गया। हमने ये जड़ा टक्कना अंदर तो क्लीन करके अंदर से साफ करके इसको लगा देंगे जो दो पेज से सिंपल जैसे हमने खोला था उसी तरीके से। चल ये इसका ढक्कन इसको लगा देंगे। ये देखिए ये बाहर है जिससे कि रेस कम ज़्यादा होती है आरपीएम की सेटिंग होती है बिना खोले। अब ये दो सिंपल पेज इनको लगा देंगे और जैसा कि खोला था वैसे ही टाइट कर देंगे। लग गया ये, इसका प्लग खोलेंगे। इसका प्लग पाना गाइस सबसे अलग होता है जो कि ये देख सकते हैं, उस स्कूटरी और बाइक से अलग होता है क्योंकि इसमें प्लग भी अलग लगता है। ये देखिए इसको ऐसे खोलते हैं, इसको क्लियर करके दिखाते हैं। हाँ देखो गाइस अपना स्कूटर स्टार्ट है, कार्बोरेटर प्लग हमने इसका क्लीन कर दिया है, स्कूटर अपना एक किक में स्टार्ट है और कोई भी स्टार्टिंग प्रॉब्लम नहीं है और ना ही बंद हो रही है। कैसी लगी गाइस वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना ना भूलना और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।